हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मेरा न्यू फोन नथिंग फोन 1 का जो है अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, तो वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा गाइस। इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसा फील हो रहा है गाइस अभी मेरा, और मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो देखो गाइस, ये है मेरा नथिंग फोन 1 का गाइस, ये पूरा सील फाइल मतलब सील पैक जो है पूरा कवर है। चलिए मैं फटाफट इसको निकालता हूँ, इसको अनबॉक्स करता हूँ, और आपको यहाँ पर मैं पूरा डिटेल्स में बताऊँगा ये जो है गाइस, ये फ़ोन किस तरह से जो है कितना मज़ा आ रहा है, इसको यूज करने में कितना अच्छा है। तो चलिए मैं इसको बराबर जो है अनबॉक्स करता हुँ, और मैं आपको इसका जो है फर्स्ट लुक आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। तो बराबर इसका कवर हटा के देखो गाइस, यहाँ पे आपको सिर्फ मोबाइल और इसका जो है सिम ट्रे, इसमें एक साइड में मोबाइल आपको मिलेगा गाइस, एक पूरा जो है सील फाइल में जो है गाइस, इसमें एक तरफ मोबाइल है, जैसे कि देखो गाइस इसमें मोबाइल है। तो चलिए मैं फटाफट इसको पहले मोबाइल को यहाँ पे निकालता हूँ। इसमें एक तरफ आपको मोबाइल मिलता है और दूसरा तरफ जो है गाइस वो है चार्जर, यहाँ पे आपको मिलता है। इसे चार्जर इसमें आपको नहीं देता है, इसमें सिर्फ आपको जो है C2C केबल आपको एक मिलता है, लेकिन चार्जर का पावर एडेप्टर जो होता है आपको वो अलग से खरीदना होगा। आप चाहो इसको आईफोन के चार्जर से अगर आपके पास है तो उससे अभी चार्ज कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे चलिए मैं फटाफट जो है मोबाइल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मोबाइल को इससे मैं निकालता हूँ यहाँ पे। तो देखिए गाइस, ये जो है ब्रांड न्यू नथिंग फोन 1 का फर्स्ट लुक गाइस, ये वाइट कलर में है। ऐसे तो ये दो कलर में आता है, लेकिन वाइट कलर जो है हमको काफ़ी अच्छा पसंद आया, तो गाइस यहाँ पर मैं वाइट कलर ले लिया। यहाँ पे दो कलर आता है इसका, ब्लैक और वाइट। तो आप जो भी कलर आपको अगर लेना है तो आप जो भी कलर लेना चाहो ले सकते हो, दोनों ही काफ़ी स्लिम है, काफ़ी अच्छा है। तो इसमें आपको जो है मिलता है सिम, अब गाइस ये हो गया है खाली, और जो ये हमारे हाथ में है गाइस, इसमें आपको चार्जर का C2C केबल आपको यहाँ पर मिलता है, और एक सिम ट्रे इजेक्टर गाइस, इसमें आपको सिम जो है इजेक्टर जो है काफ़ी ज़बरदस्त है। इसका इजेक्टर देखो गाइस किस तरह का है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको दिखाऊं तो देखो गाइस ये काफ़ी अलग, यहाँ पे काफ़ी अनोखा टाइप में है, देख सकते हो गाइस ये इजेक्टर जो है काफ़ी अनोखा टाइप में है। तो चलिए इसको इसी में रख देते हैं साइड में, और यहाँ पर देखो गाइस ये है C2C केबल। तो इसमें गाइस दोनों तरफ से आप मोबाइल में चाहो तो यूज कर सकते हो, इसका खासियत देख सकते हो गाइस यहाँ पे दोनों ही C2C हैं। तो ऐसे तो गाइस यहाँ पे देखो गाइस आपको इसमें आप इधर से चाहो उधर से मोबाइल में लगाओ, जिधर से चाहो उधर से आपको एडाप्टर में लगाओ। तो अभी तो फिलहाल मेरे पास एडाप्टर नहीं, क्योंकि गाइस यहाँ पे जिस शॉप से मैं यहाँ पे लिया उसके पास भी चार्जर नहीं था, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो गाइस ये है उसका, चलिए मैं इसका पहले तो इसको इससे इसको रिमूव करता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ इसका फर्स्ट लुक। तो गाइस यहाँ पर रिमूव करने के बाद देखो गाइस ये है इसका फर्स्ट लुक, काफ़ी बेहतरीन है गाइस। यहाँ पे इस मोबाइल का खासियत है गाइस, यहाँ पे दोनों साइड में आपको आगे और पीछे बोथ साइड में गाइस यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, और गाइस यहाँ पे आगे से ज़्यादा इसका बैक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस। यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे पूरा अंदर का जो है पूरा आपको यहाँ पे सब बाहर में शो करेगा। इसे ये सिर्फ डिजाइन है, इसका अंदर का कुछ नहीं है गाइस, ये सिर्फ डिजाइन है, और उसके ऊपर में गोरिल्ला ग्लास चढ़ाया हुआ है। तो काफ़ी डेंजर मामला यहाँ पे गाइस, अगर आपको आपका मोबाइल फेंकने का आदत है या इधर उधर फेंक के, जैसे कि मैं घर में या कोई दूसरा फ़ोन है तो इधर उधर फेंक देता हूँ, तो ये आपको भारी पड़ सकता है इस फ़ोन के लिए, क्योंकि गाइस इसमें आपको जो है दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास है। आप टेबल पे फेंको या ज़मीन पे फेंको, नुकसान तो मोबाइल का ही होने वाला है, आगे से फेंको या पीछे से फेंको दोनों ही तरफ से नुकसान हो सकता है। तो देखो गाइस ये है, इधर में आपको मिल जाता है साइड में गाइस, यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉल्यूम बटन, यहाँ पर बैक साइड में देखो गाइस ये है, और यहाँ पर ये फ्रंट साइड है, और गाइस यहाँ पे देखो गाइस इसमें मैक्सिमम चीज़ जो है वो सिर्फ नीचे दिया हुआ, ये है आपका जो है राइट साइड में आपको यहाँ पे पावर बटन मिलता है, और जो है ये काफ़ी स्लिम है गाइस, वो फील काफ़ी मस्त फील होता है हाथ में आने के बाद, तो काफ़ी मस्त फील होता है। ये पावर बटन है, और गाइस यहाँ पे मैक्सिमम इसका चीज़ जो सब नीचे में है, जैसे कि देखो गाइस यहाँ पे स्पीकर है, और यहाँ पे माइक है, चार्जर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको नीचे मिलता है। यहाँ तक इसका सिम ट्रे जो भी है गाइस वो भी यहाँ पे इसके नीचे में ही मिलता है, बॉटम में ही मिलता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त इसका जो है सेट काफ़ी ज़बरदस्त है गाइस। ये जो फ़ोन है गाइस ये 12 GB और 256 GB का है, यानी कि गाइस 12 GB रैम और 256 GB का इसका इंटरनल स्टोरेज है। तो यहाँ पर मैं वाइट वर्जन लिया हूँ, क्योंकि हमको वाइट ही देखने में ब्लैक से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैं फटाफट इसको ऑन कर लेता हूँ, और गाइस ये बैक है, तो बैक तो गाइस पता नहीं सकता कितना मज़ा आ रहा है इसका, हमको फ्रंट से ज़्यादा बैक पसंद है, इसका बैक ही देख के मैं यहाँ पे इस पर ज़्यादा इम्प्रेस आया इस, और मैं इसको खरीद लिया जाके। देखो गाइस यहाँ पे ये है इसका ऑन होने के बाद का कुछ, यहाँ पे इसमें आपको कुछ ज़्यादा ब्लॉट बेयर्स भी नहीं नज़र आते हैं।
गाइस ये क्लीन एंड्रॉयड के साथ आता है, ये तो ऐसे तो ये एंड्रॉयड ही है लेकिन एकदम क्लीन एंड्रॉयड। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे काफ़ी कम जो है एप्लीकेशन यहाँ पे काफ़ी कम है और मैक्सिमम जो है सब गूगल का ही है। तो आप समझ ही सकते हो कि आजकल का कोई भी फ़ोन में जो है इस तरह का फाइनल जो है जो मेड इन चाइना नहीं होता, यानी कि जो चाइनीज़ नहीं होता उसमें, तो मैक्सिमम जो है वो इसी तरह का आता है यानी कि क्लीन। तो ये गाइस ये फ्रंट कैमरा है और फ्रंट कैमरा गाइस वो है 16 मेगापिक्सल का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है और बैक कैमरा जो है वो डबल कैमरा है, 50-50 मेगापिक्सल का जो है डबल कैमरा है। तो काफ़ी बेहतरीन गाइस इसका जो है फोटो का देख सकते यहाँ पे, मैं जब फोटो ले रहा हूँ एकदम लो लाइट है और यहाँ पे गाइस तब भी देख सकते यहाँ पे कितना क्लियर यहाँ पे आ रहा है इसका फोटो। और मैं इसका कुछ तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये कुछ तस्वीर हैं जो आप चाहो तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। काफ़ी बेहतरीन फोटोज़ इसका जो है, बैक कैमरा और नाइट विजन सब मैं यूज़ किया हूँ तो काफ़ी बेहतरीन। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे फंक्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। देखो गाइस यहाँ पे बैक तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे फंक्शन से भरे पड़े, जितना डिजाइन है उतना अलग अलग इसका फंक्शन आते हैं। तो आपको सेटिंग में जाके उस सारे फंक्शन को एक्टिव करना होगा, तब उसका मजा आप ले सकते हो। गाइस ये 6.6 इंचेस का इसका फुल HD डिस्प्ले आता है, 4500 mAh का इसमें बैटरी आता है। तो अगर यहाँ पे आपको जो है मिनिमम, आप अगर कोई दूसरा चार्जर यूज करते हो तो आपको पास कम से कम 45 वाट का सुपर चार्जर होना चाहिए, तभी इसको आप जल्दी से जल्दी चार्ज कर सकते हो। वैसे तो इसका जो है यहाँ पे 4500 mAh का बैटरी इसमें दिया जाता है, तो काफ़ी अच्छा गाइस यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप भी है इसका। मैं इसको यूज किया, दिन भर यूज किया तो बैटरी भी जो है गाइस इसका काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़बरदस्त ये फ़ोन है, आप चाहो तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हो अगर आपके बजट में आता है तो। तो गाइस बात करें इस फ़ोन का कीमत का, तो गाइस बता दूँ ये 8GB और 12GB दोनों के साथ आता है, दो वेरिएंट इसका है। तो 8GB और 128GB जो है गाइस उसका जो है दाम कम है, यानी कि 26,999 यानी कि 27,000 होता है। 8GB और 256GB का अगर आप लेते हो तो उसका जो है वो आपको 28,500 के आसपास में आता है। अगर आप जो है 12GB और 256GB का लेते हो तो गैस ये आपको काफ़ी और ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, यानी कि गैस इसका प्राइस जो है वो हो जाता है 35,999 यानी कि 36,000 जो है इसका प्राइस हो जाता है। After some hours, then I was laying in the bed. I came back.